दोस्तों, हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में राज करने वाले राजा और महाराजाओं तथा सुरवीरों के इलाकों को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता और उनका नाम भी इतिहास में काफी ऊंची श्रेणी पर होता था। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बुंदेलखंड को राजा महाराजाओं तथा सुरवीरों का गढ़ माना जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा तथा मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया के अलावा भिंड जिले की लहार और ग्वालियर जिले की मांडेर तहसीलें तथा रायसेन और विदिशा जिले का कुछ भाग भी शामिल है। बुंदेलों ने आल्हा खंड की 52 लड़ाइयों के असली महानायक उदल को नमन किया। आल्हा के छोटे भाई उदल ने 52 में से 23 लड़ाइयां अकेले अपने नेतृत्व में जीती थीं। उनकी जयंती पर बुंदेलों ने दोपहर को उनके स्मारक पर जाकर सफाई की, फिर उदल के साथ उनके प्रिय घोड़े बिंदुला को फूलों से सजाया। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि उदल बड़े भाई आल्हा से 8 वर्ष छोटे थे। उनका जन्म 1148 के आसपास हुआ था। उदल जब माता देवला के गर्भ में थे, तभी पिता दस्सराज की हत्या मांडला के राजा करिया ने कर दी थी। उसके बाद आल्हा और उदल दोनों का लालन पालन चंदेल नरेश परमाल ने महोबा में किया। उनकी वीरता से चंदेल राज्य का चारों दिशाओं में विस्तार हुआ। आल्हा खंड में जिन 52 लड़ाइयों का जिक्र है, वे मेहर की शारदा मैया के इन दोनों भक्तों की वीरता के किस्सों का बुंदेली बखान है। इन लड़ाइयों में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान से 1182 में बैरागढ़ में हुई वह लड़ाई भी शामिल है। उदल की मृत्यु हो जाने के बावजूद गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को प्राणदान दे दिया था। उदल चौक का निर्माण 1974 में तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन बाबू लाल तिवारी ने करवाया, जबकि आल्हा चौक 1984 में तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव अहलुवालिया ने बनवाया था। महामंत्री डॉ अजय बरसैया, ज्ञासी लाल कोस्टा, ब्रिजेश वर्मा व शिवम मौजूद रहे। आल्हा और उदल दोनों भाई वरदानी थे। इन लोगों ने 52 गढ़ की लड़ाई लड़ी और उसमें जीत भी हासिल की थी। हमारी आने वाली वीडियो में हम इसी चीज का उल्लेख करेंगे। यह जानकारी हमें इंटरनेट के माध्यम से लिए आथ, वीडियो में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं हमारी टीम आपसे क्षमा मांगती है।